हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो के इस नए वीडियो में जैसा कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो कि ABS लगेगा कि नहीं लगेगा हमारे पुराने वाले पल्सर्स में, क्योंकि अब तो नए वाले पल्सर्स आ गए हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो बना के सोचा मैंने समझा दूं। तो यहाँ पे लगी हुई है 220F जिसमें ABS लगा हुआ है और ABS जो टाइट किया मतलब नट से जो कसा हुआ है, यहाँ पे तीन नट्स पे ये ABS का यहाँ पे पैनल लगा हुआ है और ये वायर जाके अपना वहाँ पे सेट हो जाती है। और अगर पीछे वाले टायर में देखा जाए तो पीछे वाले में भी एक RLP टेक्नोलॉजी होता है जो कि बजाज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो वो यहाँ पे आती है, वो भी यहाँ पे 1, 2 और 3 नट्स पे आपको यहाँ टाइट की रहती है। तो ये दोनों चीज़ हो गया, तो वो सेंस करती है इधर। तो जब आप अपने पुराने वाले पल्सर्स में अगर आप लगाना चाहते हैं ABS पैनल, मतलब ABS इनबिल्ट कराना चाहते हैं अगर आप पुराने वाले पल्सर्स एवेंजर्स NS200 में, तो उसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो मतलब NS200 का तो ABS पैनल अलग है, लेकिन पल्सर्स का इस तरह का कुछ है। तो यहाँ पे मेरे पास एवेंजर है, एवेंजर में अभी ABS यहाँ नहीं लगी हुई है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नट खाली यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यही वो तीन जगह है जिसमें लग जाएगी। तो अगर आपके अपने बाइक जो है 18-19 के आसपास लिया है बिना ABS वाला, और उसके अगर आपको अलॉय व्हील्स या फिर रिम में आपको इस तरह का पैनल देखने को मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि आप ABS लगवा सकते हैं, लेकिन ये आगे पीछे दोनों होना चाहिए। तो इसमें आगे पीछे दोनों अगर आपको नहीं मिलता है आपको, अगर बेसिकली अगर आपको पल्सर्स में अगर आपका आगे में है तो पीछे में भी होगा, अगर आगे में नहीं हो तो पीछे में भी नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको देखने को मिल जाता है ये तीनों नट कसने को, तो आप ABS लगवा सकते हैं। अगर नहीं देखने को मिलता है तो आपको जो रिम है अलॉय व्हील है उसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका ABS पैनल लगेगा, मतलब अलॉय व्हील आगे पीछे दोनों का चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये पैनल है अगर आपका नट कसने का, तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ABS का जो है सिस्टम आपके बाइक में लग जाएगा। तो अब मैं वो दिखाता हूँ बाइक जिसमें ABS पैनल नहीं लगा हुआ है, मतलब वो रिम दिखाता हूँ आपको जिसमें ABS पैनल नहीं मौजूद। जैसे कि ये हो गया पल्सर 220, इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सादा रिम है मतलब प्लेन रिम है, तो इसमें अगर आप ABS लगवाना चाहिएगा तो यहाँ पे आपको ये आपको रिम जो है वो अलॉय व्हील है इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे तीन नट्स दिए गए हैं ऑलरेडी दिए जा चुके होंगे, तो वहाँ पे आपको देखिए पीछे में भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न था क्या होगा नहीं होगा कैसे लगेगा नहीं लगेगा, जैसे कि मैं इसमें भी दिखा दूँ आपको नियोन में, इसमें भी देखिए जबकि ये बहुत पुरानी नहीं है लेकिन इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपको ABS पैनल लगाने के लिए रिम को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा NS का भी आता है, तो मैंने बजाज की सभी बाइक्स को लगभग कवर किया है, तो NS के बारे में बताना बनता है मेरा कि NS का जो ABS पैनल है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नट्स पे आपको यहाँ पे ये ABS पैनल लगाएगी, जबकि आप यहाँ पे जब पल्सर में देखिएगा तो वहाँ पे एक छोटा इस तरह से लगाया गया है। तो तीन तरह की लगभग ABS पैनल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वही हुआ कि जो इसके बेस में आपको देखिए ABS का पैनल कसने का जो है जगह दिया गया है कि नहीं, अगर नहीं दिया गया है तो आप ABS इनबिल्ट कराने के लिए आपको आपका अलॉय व्हील चेंज करना पड़ेगा। अब आ जाता है एक और बाइक जैसे पल्सर का जो स्टैंडर्ड वेरियंट में कैसा दिया गया है, तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में अगर हम देखें तो इसमें भी ये थ्री नट्स सिस्टम जो है दिए गए हैं, 1, 2, 3 नट्स सिस्टम के साथ दिए गए हैं। अब पल्सर स्टैंडर्ड का जो ये हो गया ये ट्विन डिस्क हो गया, और ट्विन डिस्क से स्टैंडर्ड पे आते हैं सिंगल डिस्क। सिंगल डिस्क में आपको ABS पैनल छोटा देखने को मिलता है, लेकिन जो ABS का पैनल कसने का जो जगह है वो सेम इसी तरह से, बस साइज में थोड़ा डिफरेंस है लेकिन सेम दिया गया है। तो लगभग मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ABS लगेगा कि नहीं लगेगा। और हाँ, उसके बाद अगर यहाँ पे आ जाता है कि मीटर कंसोल में भी यहाँ पे ABS लिखा होता है,
तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप ABS का अगर आप सैंपल चाहते हैं तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी ABS का यूज कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात और बोलूँगा, जिनको आदत हो चुकी है बिना ABS की बाइक चलाने की, वो उस पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और चीज़ था कि इंजन कॉल लगेगा नहीं, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे अगर आप इसमें इंजन कॉल यहाँ पे लगवाना चाहते हैं। तो एक नट तो यहाँ दिया गया है जिसमें एक पत्ती लगा के कसा जा सकता है, लेकिन साइड नट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आप लगवाना चाहते हैं तो। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, ABS चाहिए तो आप उसमें काम कर सकते हैं। अगर आपके पैनल में वही मैंने बताया जो तीन नट जो है दिए गए हैं तो आप लगवा सकते हैं।